प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के यादगिरी में 10,800 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया है, जिसमें सिंचाई, पेयजल से जुड़ी परियोजनाओं और एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शामिल है। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, जबकि हमारी सरकार की प्राथमिकता विकास है। पीएम मोदी ने कहा कि देश अगले 24 से 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमृतकाल है, प्रत्येक राज्य के लिए अमृतकाल है। पीएम ने कहा कि जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तब 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी का कनेक्शन था। आज देश के करीब 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पानी मिल रहा है। और मुझे हमेशा पुराने समय से उनके साथ जुड़ने का आनंद आता रहा है। मुझे बहुत याद है कि 94 के विधानसभा के चुनाव के समय इसी पूरे क्षेत्र में एक रैली में मुझे बुलाया गया था, और मैंने जब वहां उस रैली में लाखों की तादाद में हमारे बंजारा भाई बहनों को देखा और बंजारा माताएं बहनें परंपरागत वेशभूषा में लाखों की तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए थे, वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता हूं भाई। आज आप सभी के लिए कर्नाटका सरकार का ये प्रयास जब मैं देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार ने सुशासन और सद्भाव का वो रास्ता चुना है जो सदियों पहले भगवान बसवन्ना ने देश दुनिया को दिया था।